हेलो एवरीवन, आज बिहार एसएससी का टेस्ट रखे थे जिसमें कि 1500 के करीब बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। आज यानी 15 तारीख को टेस्ट था, सब लोग को पता है गया के बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं इसमें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा एग्जाम का फीलिंग आया होगा, जिस तरह से आप फाइनल एग्जाम में जाके देंगे, बिहार का एग्जाम जो लेगा उसके जैसा आज पूरा महसूस हुआ होगा। ये लगभग हर संडे को करवाया जाएगा, केवल छुट्टियों छुट्टी को छोड़कर जितने संडे होंगे उन सभी संडों में ये करवाया जाएगा आपको। तो जिस तरह से आज हुआ है, बच्चे सोच रहे होंगे कि आंसर शीट की कब आएगा। मैं डायरेक्ट इसका वीडियो ही बना दे रहा हूं और जीएस का और रीजनिंग का दोनों का जल्द ही आपको मिलेगा। मैथ्स का मैं अभी दे रहा हूं, तो इसमें मैथ्स का देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये है, पहला सवाल कहता है कि 3x + 2y = 5x - 3y = 3/2 है। तो पूछता है आपको 7x + y और 5x - 5y क्या। यहां से पहले x निकाल लेंगे, x और y का रेशियो निकाल लेंगे। वो कैसे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो 3 × 6x और प्लस 2 × 4y। इसको भी क्रॉस ले जाएंगे तो यहां गुना होगा 3 से ही दोनों में, यानी 3 से तो 5 दिया 15x और 3 से 3 × 3 = 9y। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे 15 और 6 यानी 9x होगा, 6x को उधर ले जाएंगे 9x, 9y इधर आएगा 13y दिखेगा, यानी कि x/y आपको दिख रहा होगा 13/9, यानी आपका x का वैल्यू 13 होगा तो y का वैल्यू 9, यानी कि रेशियो में ही है लेकिन हम x का 13 और y का 9 डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। यहां पर पुट करेंगे तो मिलेगा आपको, देखिए 7 × 13 + 9 और 5 × 13 - 5 × 9, 13 × 7 = 91, 13 × 91 = 91 और 900 और 13 × 5 = 65 और 9 × 5 = 45, 65 में से 45 गया 20, यानी कि ये 100/20 आंसर आ रहा होगा इसका 5। पहला का आंसर था 5, जो सबको आंसर आ चुका हो आया होगा। मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग ये पहला का आंसर बता पाए होंगे। अब देखते हैं दूसरा सवाल, ये अगला 5 नंबर पर सवाल है। ये मैं किसी सेट ए का सॉल्यूशन दे रहा हूं, जो बच्चे बी का सी का है तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, जो 1 नंबर में है उसका आंसर 5 आता है, ठीक है। तो मैं 5वां सवाल का सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर का, यानी पहला का 5 आंसर था और 5वें नंबर पर जो सेट ए में क्वेश्चन है उसका आंसर, यानी कि कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन है 999 हॉल, यानी 999 पूर्णांक 98/99 * 99 है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब जरा सोचिए, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वक्त लगा होगा। जितने बच्चे जो तरीके नहीं जानते हैं, जो कहीं क्लास नहीं किए हैं, उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसको देखिए करना कैसे था, इसको सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो पूर्णांक में है वो प्लस में रहता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 999 + 98/99 और गुने में 99, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस में। इसको गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 999 × 99 और प्लस 98। एक बात और, ये भी गुना करने में थोड़ा टफ हो रहा होगा, आप क्या कीजिए, इसको लिखिए 1000 - 1 × 99 + 98, इसको गुना करेंगे तो ये 99000 - 99 और + 98 होगा। इन दोनों को करेंगे तो ये -1 आएगा, यानी कि 99000 - 1 मिलेगा आपको 8999999, 98999, जो कि ऑप्शन में डी में है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये सेट ए का है सॉल्यूशन, 5वां का आंसर डी होगा, यानी इस प्रश्न का जब आपके अलग अलग नंबरिंग में होगा तो इस प्रश्न का जवाब कितना होगा, 98999, यानी कि डी। तो जिनका भी सही होगा उसको देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा,
अच्छा है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ये ठीक है। अगला आपका जो सेट ए में है, सातवां नंबर क्वेश्चन, वो आपने सेट में देखिएगा, सातवें का कह रहा है कि पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए दिया हुआ है 23/24, बी दिया है 45/47, और बी दिया है 45/47, और सी ऑप्शन में है 70/73, और डी है 35/37। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या चुनें। अगर और भी तरीके से देखते हैं, क्रॉस गुना करने में तो बहुत वक्त लगता है, उसका तरीका क्या करिए कि सबसे पहले अंतर निकालिए, इसका डिफरेंस अंतर निकालिएगा। अंतर निकालने के बाद यहां पर देख देख रहे हैं कि ये मिल रहा है हमारा एक, यहां पर अंतर है दो, यहां अंतर है तीन, और यहां अंतर है दो। तो जो अंतर आ रहा है आपका, एक दो तीन दो, जो भी अंतर आ रहा है उन सभी का एलसीएम ले लीजिए। एक दो तीन दो, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम हमारा कितना आ रहा होगा, इसका इसका एलसीएम आएगा सिक्स। अब क्या करें, सबको सिक्स बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे ए ऑप्शन है हमारा, एस ए में 23 है, तो 23 में अंतर एक है, सिक्स से गुना करेंगे। बी वाला में देखिए, ऊपर में 45 है, 45 में अंतर कितना है दो, लेकिन मुझे सिक्स बनाना है, इसके चलते इसमें थ्री से गुना करेंगे। सबका अंतर कितना बनाना है हमको, सिक्स, बराबर अंतर करना है। पहले ये एक अंतर है तो इसको सिक्स से गुना कर देंगे, और ऊपर वाला को लिखेंगे, इसमें ऊपर वाला यानी 70 है, न्यूमरेटर 70 है, अंश को लिखेंगे, इसको लिखेंगे अंश को लिखेंगे, और तीन अंतर था उसको सिक्स बनाना है, इसमें दो से गुना करेंगे। डी ऑप्शन है दो, सॉरी ऊपर में 35 है और अंतर यहां दो है, तो इसको गुना करना होगा तीन से। आप देखिएगा, किसी भी तरह का सवाल अगर होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी कि जिसका ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, उचित भिन्न हो, तो जो बड़ा गुना करके आएगा वो बड़ा होगा, और जो छोटा गुना करके आएगा वो छोटा होगा। जैसे यहां पर देखिए, 23/38 से और 45 दिया 135, और 70 दुना 140, 35 दिया 105। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे बड़ा सी है, जो बड़ा दिखेगा वही उसका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। यहां पर चुनना था बड़ा, अगर इसको अरेंज करना होता तब भी आसानी से कर देते, सबसे बड़ा 140, उसके बाद 138, उसके बाद 135, उसके बाद 105, अगर मुझे अरेंज करना होता वैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर हो जाएगा यहां पर सी, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, सी। क्लियर है, ये सी होगा, आप ये मान लीजिएगा इसका सी, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा दिख रहा था ये प्रॉपर फ्रैक्शन के, ये बताया गया होगा आपको क्लास में, जहां भी पढ़ते होंगे वहां, और नहीं जानते होंगे तो इस तरीके को जान लीजिए, समझ लीजिए कि अंतर बराबर करना है। अंतर बराबर करने के बाद जो बड़ा दिखेगा वो बड़ा, लेकिन ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन में, उचित भिन्न में, जिसका ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल अगला है कि पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो। पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या विभाजित करना है जो 476 से विभाजित हो, यानी 476 से आपको पांच अंकों की छोटी संख्या, एक पर चार जीरो लेना है, इसमें भागा देके देखना है। पहला बार लगेगा कि दो बार में लग जाएगा, ये 6 × 2 = 12 और 7 × 14 = 1 = 15, दो बार में लगेगा, 2 times लगेगा, और 4 × 8 = 1 = 9 लग जाएगा ये दो बार में। यहां पर बचा 8, ये बच गया 9 में से 5 गया 4, यानी 48, यानी 480 बचा। अब 480 बचा है ये, या तो मैं इसमें से घटा दूं तब कट जाएगा, या तो इसमें कुछ ऐसा जोड़ दूं कि फिर से 476 आ जाए। जोड़ने वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर घटाऊंगा तो ये 5 digit का है वो बन जाएगा 4 digit का, तो इसमें जोड़ने वाला यानी 400 कितना जोड़ना चाहिए और उतना ही जोड़ देंगे हम इसमें। कितना यहां जोड़ना, ये हमारा 10,000 में से उतना ही जोड़ना होगा जितना कि यहां जोड़ने पर ये आए, तो कितना जोड़ने पर आएगा या कितना घटाने पर आएगा, घटाने पर आएगा यहां पर। अगर ये मान लो कि इसमें हम यहां 476 रहता, यानी 4 घटाते तो आता, तो सबसे पहले क्या कीजिए, 4 घटा दीजिए,
और फिर जोड़ दीजिए कितना 476। चार घटाने से क्या होगा पता है, चार घटाने से होगा क्या, चार यहां पर देखिए 476 ज्यादा बच रहा था ना, ये चार चार ये घटाने से भी कट जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो ये पांच डिजिट का है ना वो बच जाएगा चार डिजिट का। अब मुझे चार डिजिट का नहीं चाहिए, मुझे पांच डिजिट का चाहिए, इसलिए मैं घटाया और फिर जो जो भी संख्या था उसको जोड़ दिया, इस तरह से आएगा 10472। जिनका भी आंसर होगा 10472 उनका सही जवाब होगा। ठीक है, चार घटाने से भी संख्या आ जाता कटने वाला, लेकिन नहीं करेंगे हम, एक बार और जोड़ देना होगा। तो इसको भी आप लोग डिविजिबिलिटी में या फिर जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें काउंटिंग के बाद सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल जो सेट ए में 15 नंबर है, जो छात्रों का औसत अंक से संबंधित है उसको देखिएगा। कहता है कि 12 लोगों का औसत अंक आपका 85 है, 12 लोगों का औसत अंक 85 है, दो अंकों का अंक गलती से 36 के बदले 63, यानी कि गलती से ये जो हमारा है ना गलत तरीके से औसत निकाला गया है तब 85 है। क्या हुआ है गलती, ये देखिए 12 छात्रों का औसत अंक 85 है जो कि गलती के कारण है, क्या हुआ है गलती, लेकिन दो छात्रों का गलती से 35 के बदले 63 और 27 के बदले 72 लिख दिया गया है। 35 के बदले 63 का मतलब, सॉरी 36 के बदले 63 का मतलब सही में 36 था लेकिन उसको गलती से लिख दिया गया, पता है क्या, गलती करके लिख दिया गया 63, यानी कि ज्यादा औसत आ गया है। सही में 27 के बदले 72 लिख दिया गया है। अब बताइए जरा सही में ये जोड़ कर देख लीजिए और गलत में ये जोड़ कर देख लीजिए कितना गलती हुआ है, देख लेंगे कितना ज्यादा लिखा गया है ये देख लेंगे। यहां पर देखिए 7613 यानी 63 आया है और यहां पर देखेंगे 713 135 आया है। आप देख पा रहे होंगे कि 72 ज्यादा हो गया है, आना चाहिए था 72 कम, लेकिन गलती के कारण 72 ज्यादा हो गया है, अर्थात 85 औसत नहीं होगा, जब भी होगा 85 से तो कम ही होगा ऑप्शन में, क्योंकि ये ज्यादा होने पर 85 था अर्थात कम वाला एक ही मात्र ऑप्शन था, कौन सा 79। वैसे क्यों हुआ, क्योंकि 72 ज्यादा हुआ था और ये कितने लोगों में बटेगा, 12 लोगों में, 12 लोगों में बटेगा तो ये सही औसत निकल पाएगा, जो ज्यादा अंक जुट गया है उसको घटा के 12 लोगों में बांट, 12 लोगों में बांट के घटा देंगे औसत में तो ये सही एवरेज निकल जाएगा, सही औसत निकल जाएगा 85 - 12 = 72 यानी 79, इसका डी सही आंसर था। वैसे ऑप्शन से भी पता लग रहा था कि गलती किया है, ज्यादा बढ़ गया है ना, तो हमको सही औसत क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि गलती के कारण बढ़ गया है, 36 को लिख दिया या 63 तो बढ़ गया है, तो जो नए सही औसत आएगा वो कम आना चाहिए था, बिना कुछ बनाए ऑप्शन में देख रहे थे कि तीनों क्या था, बड़ा था, यही वाला एक क्या था, छोटा था, आंसर डी होता, लेकिन बनेगा ऐसे, आप मुझे लगता है कि समझ पाए होंगे इसको। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल जो कि सेट ए में 19वें स्थान पर है, आप अपने सेट में देखिए कि ये कैवें स्थान पर है। 18 लगातार सम संख्याओं का औसत 113 है, यदि आगे के तीन सम संख्या और शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या है। देखिए ये 18 औसत पता नहीं कहां से है लेकिन 118 सम संख्या है, सम मतलब इवन नंबर, 18 इवन नंबर का योग जो है, 18 इवन नंबर का औसत जो है एवरेज जो है वो आता है आपको 113। कहीं से भी लगातार 18 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, कहीं बीच में संख्या में से कहीं से भी उसका औसत कितना है 113। सवाल है कि इसमें अगर और जोड़ दें कितना, इसमें अगर मुझे पता लगाना होगा कि तीन सम संख्या और जोड़ दें। देखिए बाबू, एक सम संख्या बढ़ने से औसत में एक वृद्धि होता है, क्यों, क्योंकि औसत में दो दो के पर अंतर है, संख्या में दो दो के अंतर है, इसलिए औसत में एक संख्या ऐड होगा तो दो संख्या बढ़ता तो दो दो अंक ज्यादा बढ़ता, औसत बढ़ता है सम या विषम, सम या विषम यानी कि इवन और ऑड, कोई एक जोड़ेंगे एक एक संख्या को जोड़ेंगे तो औसत में वृद्धि होगा एक की, क्योंकि क्या होता है कि उनके बीच गैप दो का होता है, जितना का गैप उसका आधा औसत में बढ़ता है, तो कितनी संख्या है सम संख्या के बीच गैप कितने का, दो का, बढ़ेगा औसत में कितने का, एक का,
संख्या कितने जोड़े हैं? तीन, तो बढ़ेगा कितना? तीन। तीन बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आंसर? 113 प्लस तीन, नया औसत जब तीन जोड़ लेंगे तो नया औसत हो जाएगा हमारा आंसर 116। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा होगा आपको। ये था इवन और ऑड में जितनी संख्या जोड़िए ना उतना ही जोड़ दीजिए, क्योंकि एक संख्या सम संख्या बढ़ेगा तो एक औसत में वृद्धि होगा, दो सम संख्या और आगे के जोड़ेंगे दो बढ़ेगा औसत में। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला है किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का 19वां पद 97 और 24वां पद 122 है, तो उसी श्रेणी का पांचवां पद क्या होगा? आपको पता है नंबर ऑफ टर्म यानी लास्ट टर्म या टीएन जिसको कहते हैं, वो बताया गया होगा क्लास में आपको कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। समांतर श्रेणी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो एक ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता होगा। याद रखिएगा लास्ट टर्म यहां है, यानी कि 19वां स्थान अगर है, 19वां अगर टर्म है तो मैं लिख सकता हूं 19वां टर्म का मतलब कितना, 19 में से एक गया 18, यानी पहला पद मैं ए मान लिया था और 19वां पद यानी कि 18d बराबर मेरा 97 है, और ए प्लस अब कैमा पद है 24, तो 24 माइनस 1 यानी कि कितना 23d बराबर है आपको 122। अब तो उसी श्रेणी का पांचवा पद, तो मुझे निकालना है a प्लस 4d, क्योंकि पांचवा पद बोलेगा तो पांच में से एक गया यानी चार ही, 4d निकालना होगा, मुझे निकालना होगा a प्लस 4d। अब कैसे निकालेंगे इसको जरा केयर करिए, इसको घटाते हैं 23 में से 18, इसमें से घटा देता हूं इसको मैं, तो ये 7 5 12, ये बच गया 1 9 2 11 25 आता होगा यहां पे, 7 5 12 9 2 11 25 आ गया, और यहां पर बचा हमारा 5d, यानी कि डी का वैल्यू कितना आया है 5, डी का वैल्यू मेरा आया 5 और ए का मान आपका निकालना है, तो इसमें किसी में पुट कर दीजिए का मान, यानी कि ए प्लस 18 5, यानी 18 × 5 और बराबर 97, तो ए बराबर हो जाएगा 18 5 90 यानी 7 आएगा, डी बराबर 5 और ए बराबर 7, यानी कि इसका वैल्यू हो सकता है जो हमारा पांचवा पद होगा, फिफ्थ नंबर जो निकालना है पांचवा पद फिफ्थ टर्म, वो क्या हो जाएगा ये ए यानी 7 और प्लस 4d यानी कि 4 × d का मान 5 था, 5 × 20 = 27, इसका सही जवाब था 27 आंसर था इसका इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सी, यानी ये सवाल अगर किसी के सेट में होगा उसका आंसर हो जाएगा सी, ये सेट ए का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। प्रश्न अगला, आगे का सवाल है 32, कहता 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हो तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहां पर सवाल है मिश्र समानुपात का कि 8 घंटे प्रतिदिन करता है कोई व्यक्ति, 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, इसको लिख देंगे 8 आवर पर डे काम करके, हम वर्क बराबर डायरेक्ट समय को सबको गुना करते हैं, दिन वगैरह सभी को साथ में लिखते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन 25 आदमी करते हुए 15 दिन में काम करते हैं, ठीक है, उसी काम का दुगना काम को करवाना है, इस काम के कितना दुगना काम को किससे करवाना है भाई, इस काम के दुगना काम को करवाना है 20 आदमी से, कितने दिन में करवाना है पता नहीं, दिन कितना लगेगा, लेकिन 10 घंटा प्रतिदिन करवाना है, और 10 घंटा प्रतिदिन करवाना है तो मैं मान लिया कि x दिन लगेगा इसको, मैं मान लिया कि कितना दिन लगेगा x दिन लगेगा। अब इसको सोल्व करके देखिएगा, यहां पर 25 × 200 200 × 15 और गुने 2 है, और यहां पर भी 200 × x है, यानी कि कट जाएगा 200, तो 15 × 30 दिन, यानी कि मैं जो x दिन माना था x दिन वो आ गया आंसर कितना 30 दिन, आंसर होगा इसका 30 दिन 30 डे, जिनको भी ये आया होगा 30 दिन यानी सी उनको मिलेगा एक नंबर, एक नंबर नहीं बल्कि एक क्वेश्चन 4 नंबर के थे तो 4 नंबर मिलेगा, यानी ये सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब देखिएगा अगला सवाल,
जो कि सेट ए में 40 नंबर पर है। एन एक वैसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें कि 36, 60, 72 और 96 से भाग करें तो शेषफल क्रमशः 25, 49 और 61 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि एन एक छोटी से छोटी संख्या है जो 36, 60, 72, 96 से भाग करने पर ये शेष ये जो बचेगा वो 25, 49, 61, 85 बचेगा। ये शेष बच रहा है और जो भाग करने वाले हैं संख्या ये भाजक है। और अंतर यहां पर क्या सबका देखिएगा, सबका अंतर 11 11 आ रहा है, अर्थात सभी में शेष समान आ रहा है। कभी भी अगर ऐसा हो कि शेषफल समान आ जाए तो संख्या निकालना कैसे है, संख्या जिससे भाग देना है ना, भाजक है ना, उसका निकाल लीजिए एलसीएम और जो अंतर आया है ना उसको जोड़ दीजिए। यानी कि एलसीएम इसका कितना निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा 96 का 36 आप 760 और 72 और 96 है, तो आप देख रहे होंगे कि 12 से तो सब कट रहा है, 12 तिया 36, 12 25 60, 12 छक 72, 12 96 और उसके बाद से कट जाएगा ये आपको 3 से भी कट रहा है, 3 × 3 5, 3 × 2 = 6 ये 8 है, 2 से कटेगा तो मिलेगा ये 2 × 1 और ये 4 और ये 5, तो पंचों का 20, 12 तिया 36 दुनी 72 दुना 144, यानी कि इसका एलसीएम 1440 होगा और 1440 एलसीएम है लेकिन संख्या निकालना होगा, तो 1440 में 11 जो बच जा रहा था समय बराबर बराबर उसको निसंदेह आपको क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा कि इससे भागा देंगे तो 11 से बचेगा, तो इसमें घटाना होता है। आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, जोड़कर भी दिया हुआ है एक जगह, घटाने के बाद भी यहां पर संख्या जो आने वाला है वो मिल जाएगा हमको 1, 4, 3 और 9 सॉरी ये आ जाएगा 9, 1, 10, 2, 1, 3, 1, 4 यानी 1429। अब कह रहा है कि बचे तो एन के अंकों का योग ज्ञात करें, एन के अंकों का योग कितना आ रहा है, 9, 4, 13 और 3, 16 9, 4, 13 और 3, 16 आंसर इसका होगा 16 डी, ये आंसर होगा इसका डी। कहीं कोई गलती से डिजिट सम सीखा हो और 16 को भी जोड़ के 6 और 1 7 मार रहा हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अंकों का योग हमारा कितना आ रहा है 16, जो कि 16 ही लिखना है। एक रूल आप जानते होंगे कैलकुलेशन में यूज होता है डिजिट सम, वो केवल कैलकुलेशन में यूज होता है, अगर एग्जाम में पूछता है तो उसका आंसर एज यूजुअल लाना है, यानी जो अंकों को जोड़कर आता है वही, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो जरूर ये सवाल मुझे लगता है समझ में आया होगा, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आपका 41, कह रहा है किसी वस्तु को एक दुकानदार 20% की हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 kg के स्थान पर, लेकिन 1 kg के स्थान पर वो 750 ग्राम तौलता है। अब सवाल ये है तो पूरा सौदे में उसे क्या मिला। देखिए भाई, अगर वो 20% हानि का दावा कर रहा है तो पहले केस में सीपी और एसपी का अनुपात आएगा 20% लॉस, का मतलब 1/5 हानि, यानी 5 से 4 में बेचा होगा 5 वाला सामान को। दूसरा, अगर वो 1 kg के स्थान पर 750 ग्राम तौलता है तो 750 ग्राम सीपी होगा और 1 kg एसपी होगा, यानी कि 750 ग्राम अनुपात जो एसपी होगा वो 1000 होगा। अब जो आएगा वो यहां पर लिख देंगे सीपी और एसपी का अनुपात, ये कट जाता होगा और ये 25 तिया 75 और 25 चौका 100 यानी 3 से 4 आ जाता होगा। क्या समझ पा रहे हैं, 25 तिया 75 और 25 चौका 100 यहां पर देखिएगा तो 5 तिया 15 और 4 चौका 16 आप देख पा रहे होंगे कि पूरे सौदे में फिर भी इसको 1 का लाभ हो रहा है। ये सीपी और एसपी ऐसे करके निकालते हैं, सक्सेसिव तरीका है, एक ही चीज पर बहुत बार लाभ होता है तो इस तरह से जानते होंगे, आपके सर बताए होंगे 1 रुपया लाभ हुआ, 1/15 करेंगे प्रॉफिट परसेंट के लिए और गुने लिखेंगे 100%। इसमें लाभ वाला तो 1 हानि वाला दिया हुआ है, गलत हो गया, बाकी 3 लाभ वाला दिए थे, देखते हैं कौन आंसर होता है। 5 तिया 15 और 20 × 25 = 100 यानी कि 20/3% अर्थात 20/3% यहां पर होता है
क्षत्रिय 18-20 यानी कि 6.23% इसका लाभ जो है वो सही आंसर है, यानी कि आंसर डी में जो था वो सही आंसर था। मुझे लगता है कि बात बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है किसी काम को करने में अमित सुजीत से 60% अधिक कुशल है। अमित है सुजीत से 60% अधिक कुशल है, कहने का मतलब कि अमित बाबू का सुजीत बाबू से कुशलता, जो कार्य कुशलता है वो 60% अधिक है। तो क्या करेंगे हम, इसको 100 लिखेंगे, इसको 160 लिखेंगे, काटिएगा तो क्या मिलेगा, 10 से 10 कैंसिल, 8 × 16 5 × 10 यानी कि सुजीत 5 काम करता होगा तो अमित करता होगा 8 काम, क्योंकि 60% अधिक का कुशल था, इफिशियंट था, यह आ गया क्षमता। अमित से 39 अधिक समय लेता है कौन, तो सुजीत, जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा क्षमता नहीं है सुजीत का, तो वो समय ज्यादा लेगा। समय कितना ज्यादा ले रहा है, इसका पहले समय का अनुपात निकालिए, समय 5:8 हो जाएगा। अब समय कितना ज्यादा ले रहा है इससे, इससे समय ज्यादा ले रहा है 39, यहां पर दे रहा है 3, यानी 3 का मतलब हो रहा है अनुपात 3 का मतलब 39 डे। अब कह रहा है दोनों मिलकर, मुझे पता है 3 का मतलब 39 दिन हो गया, और दोनों मिलेगा ना, अगर अजीत और दोनों मिल जाएगा, कौन कौन ये, अगर दोनों मिल जाएगा अमित और सुजीत, तो ऐसे में दोनों मिलकर करेगा 5×8/5+8 दोनों मिलकर, ये जानते होंगे आप फॉर्मूला, तो 8×5=13, 13×3=39, 3 से 3 यानी कि 8×5=40 दिन इसको लगता होगा, दोनों मिलकर करता होगा, जो कि ऑप्शन डी में आपका आंसर है। आंसर डी आपका सही आ रहा होगा, मुझे लगता है सही हुआ होगा आपका। ये सवाल आसान था टाइम एंड वर्क का, लेकिन पूछता बहुत है। तो दोनों मिलकर करेगा तो ऐसे, दोनों मिलकर देखो ये वाला था 3/39 था, दोनों मिलकर जो कर रहा था आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर भी 60% लाभ कमाता है। 40% डिस्काउंट देने के बाद भी 60% उसको लाभ हो जाता है। भावार्थ है कि एक दुकानदार, हमें बताया गया होगा, जानते होंगे आप कि अगर कभी भी डिस्काउंट देकर लाभ होता होगा तो MP/CP लिखेंगे। डिस्काउंट देकर लाभ हो तो MP/CP, MP/CP कैसे करेंगे, MP/CP होता है 100+ प्रॉफिट, 100+ प्रॉफिट% लिखना है और 100-डिस्काउंट%, जितना बार छूट दे और जितना लाभ हो हर बार 100+ प्रॉफिट 100+ डिस्काउंट लिखेंगे। अब जैसे यहां पर देखिए दो केस दिल है, एक में कहता है कि 40 छूट देकर भी 60 लाभ हुआ, एक में कहता है कि 40 छूट देकर भी 60 लाभ हुआ 60%, फिर कहता है कि अंकित मूल्य पर कितना छूट दें कि उसे लाभ केवल 20% हो। सीधा लिखेंगे 100+ प्रॉफिट, पहला केस में कितना प्रॉफिट, पहला केस में प्रॉफिट है 60% और डिस्काउंट दिया है 40%, तो लिखेंगे 100+ प्रॉफिट/100-डिस्काउंट। ठीक है, और अगला केस में क्या कहता है, यह हमेशा बराबर आएगा जो भी आएगा सो, जितना बार कह दे। अगला में कह रहा है अंकित मूल्य पर कितना परसेंट छूट दे कि 20% लाभ हो जाए, यानी कि अगला केस में प्रॉफिट आना चाहिए 20% और डिस्काउंट मुझे पता नहीं, डिस्काउंट मुझे पता नहीं, तो इसको मान लूंगा मैं कि डिस्काउंट देना होगा X%। ठीक है, बस पुट कीजिए, आंसर लाइए, 100+20/100-X, आप देखोगे तो यहां पर मिल रहा होगा 160 और यहां पर मिल रहा होगा 60 और यहां मिल रहा होगा 120, यहां पर मिल रहा होगा 100-X, कटता हुआ दिखेगा 10 से 10, 8×16 3×6 15×8 120 और 15×3 45 यानी कि 100-X=45 यानी कि X आ रहा होगा 55। ठीक है, X=55 घटाकर देखिएगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा कि 55% छूट दे दिया होगा तभी जाके 20% लाभ हुआ। आंसर इसका हो जाएगा सी, आंसर होगा इसका सी। मुझे लगता है कि प्रश्न बिल्कुल समझ में आया है। तो देखिए जितने टॉपिक रहे हैं जो ज्यादातर बिहार एसएससी पूछता है उसी के पैटर्न पर पूरा तैयार किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये है, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, फिर उस संख्या को 9 से गुना कर, उस संख्या
का 9 गुना अंकों के क्रम में पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। सबसे पहले तो यह समझिए, दो अंकों की संख्या को लिखते हैं 10a + b, अगर पलट दें संख्या, अगर यह है और इसके अंकों को पलट दें तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगा, अंकों को पलटने पर बनी संख्या कैसे लिखाता है, बनी संख्या कैसे लिखाता है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या लिखाता है 10b + a। ठीक है, अब ये कहना शुरू किया है कि भैया पहला बात तो ये समझिए कि a प्लस बी बराबर 9 है, अंकों का एक अंक, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, वैसे तो सभी का 9 ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, फिर उस संख्या का 9 गुना, वैसे ऑप्शन से भी बना सकते थे इसको आसानी से, लेकिन मैं डायरेक्ट बनाता हूं, ऑप्शन से आप बना लिए होंगे, आई हो डायरेक्ट बनाता हूं सॉल्यूशन करके। कह रहा है कि अंक संख्या का 9 गुना, पहले ओरिजिनल संख्या 10a + b है, उसका 9 गुना अंकों के क्रम में पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, अंकों के क्रम को पलट कर बनाया गया 10b + a का ये दुगुना है, 9 गुना है सो इसके दुगुना है, तो पूछता है संख्या कौन है, काटिएगा तो 10 90 + 9b बराबर 20b + 2a, यानी कि 2 अगर इसको घटाएंगे तो 90 में से 2 गया 88a बराबर 20 में से 9 गया 11b दिख रहा होगा। इस तरह से a और b का जो अनुपात आएगा 8, एक अनुपात क्या होगा 8 आएगा, यानी कि जो संख्या बना हुआ होगा ओरिजिनल वाला 18 बना होगा, संख्या ओरिजिनल वाला 10a + b था, यानी कि अच्छा सर इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो एक और बी का जोड़ 9 आना चाहिए, तो यहां जोड़कर 9 आ रहा है क्या, यानी कि 1 = 1 और 9 = 9, क्योंकि 1 और 8 वही आ गया, इन दोनों को जोड़कर कितना आ गया 9 आ गया, तो ओरिजिनल संख्या भी 1 और 8 ही है, इसीलिए 10 × 1 + 8, यानी कि सही आंसर इसका होगा 18, जो कि ऑप्शन आपको डी में था। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आया होगा, संख्या को पलटने पर बनी संख्या ऐसे बनेगा, अगर संख्या 10a + b, दो अंकों की संख्या को ऐसे लिखते हैं, पढ़े होंगे आपके सर बता पढ़ाए होंगे। अगला सवाल देखते हैं और इस तरह से लगता है कि सवाल समाप्त हुआ है, टोटल सवाल कितने थे ये देख लीजिएगा, मैथ्स के इतने ही सवाल, नहीं नहीं अभी और भी हैं, मैं देखता हूं। अगला सवाल 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ABC में 555 रुपए की राशि को 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, ABC में बांटा जाना था, क्या ABC में बांटा जा रहा था, यानी कि ABC का योग सही में कितना था, 555 बांटा जाना था, इसमें क्या बांटना था कि 1/1 ए को देता 1/4 और 1/5 बी को और 1/6 सी को देता, बांटी जानी थी परंतु गलती से, अच्छा ये सही बंटवारा ऐसा था लेकिन गलती से ABC में बट गया, कैसे 4:5:6 हो गया, तो सी को इस बंटवारे में सी को कितनी राशि अधिक मिली, इसमें बताया जाता होगा कि जिसको सबसे पहले कम मिलेगा उसको बाद में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कम किसको मिल रहा था, 1/6 ही भाग मिल रहा था सी को, पलट देने के बाद जिसको कम है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी अब सी को ज्यादा मिलता होगा, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले क्या करिए कि इसको सोचिए कि सिंपल में पैसे पहले लिखिए, 4, 5 और 6 है तो इसको गुना कर दीजिए, जानते हैं ऐसा नंबर से जो कि ये 4, 5, 6 से कट के सिंपल में आ जाए, फ्रैक्शन में रेशियो को नहीं लिखेंगे, सही ढंग से लिखेंगे, तो गुना कर दीजिए इसमें आप 60 से, तो 15 × 60, 12 × 5 = 60 और 10 × 6 = 60, 15, 12 और 10 हो जाएगा, यहां 4, 5, 6 है। अब केयर करिए कि 4, 5, 6 और 15, 12, 10 ये दोनों बांटा गया है किसको, 555 रुपया को, क्योंकि दोनों जगह एक ही बंटवारा है, तो मैं एक काम करूंगा कि दोनों जगह एक ही पैसा बांट रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि यहां पर से सी का निकाल लेते हैं कि कितना मिला, और इसमें जो बांटा है इसके अनुसार से सी का कितना मिला, तो देखो यहां पर पूरा रुपया देखिएगा तो 15, 12, 27 और 10 37 है, यानी 37 जो रुपया है
सो 555 रुपया है भाई, 3700 555 रुपया है। मुझे सी का निकालना है, सी को यहां पर इस बटवारे में पहले वाले में 10 रुपया मिल रहा था, ठीक है, तो ये काटिएगा तो मिलेगा ये 15 बार में कटेगा, यानी कि यहां पर 150 रुपया बटवारे में मिल रहा था किसको, सी को, लेकिन जब बटवारा ऐसा हुआ कि पलट दिया गया तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पलटने के बाद ए बी सी को 6 4 10 5 15 रुपया में से 6 मिल रहा है, सी को 15 रुपया में से 6 मिल रहा है, यहां 15 रुपया कितना है टोटल 555, यानी 15 रुपया 555 रुपया है, तो हमको 6 रुपया निकालना है जो कि सी का मिल रहा है इस बटवारे में, वो निकलेगा हमारा 15 से कटेगा 15 से कट जाएगा 37 बार में, क्योंकि 37 से 15 बार में कटा है तो 15 से कटेगा 37 बार में, 37 6 का जो होगा वो हो जाएगा 3 बार में 222, अर्थात 37 6 का 222, यानी पहले बटवारे के अनुसार इसको मिल रहा था 150 और अब बटवारे के अनुसार मिल गया तो 222, यानी कि इसको ज्यादा मिल रहा है कितना, 72 रुपया ज्यादा मिल रहा है, अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा ए, 72 रुपया पहले से सी को अधिक मिली होगी, यही पूछ रहा था कि सी को कितनी राशि अधिक मिली होगी नई बंटवारे के अनुसार, तो 72 रुपया अधिक मिली होगी, आंसर इसका जो रहा होगा वो आपको ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, और कुछ चंद सवाल और हैं, मुझे लगता है कि आपको संतुष्टि मिल रहा होगा कि जो सवाल दिए गए हैं वो आपको नजर आ रहा होगा, आइए देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 एकदम बेसिक में बताते हैं जी कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 दिया हुआ है और वाई बराबर रूट 16 दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि अगर रूट चढ़ाना पड़े, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो वैल्यू होंगे, यानी कि जब रूट चढ़ाना पड़ेगा तो दो वैल्यू होंगे, क्योंकि दो डिग्री वाला है तो इसके दो वैल्यू होने चाहिए, तो प्लस माइनस रूट 16 होगा और इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है। अब 67 देख रहे हैं हम, अब देखो यहां वाई है तो ये वाई का कैसे, तो वाई बराबर ये पहले से रूट चढ़ा हुआ है और किसी का पहले से रूट चढ़ा हुआ है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि इसका वैल्यू होगा 4, क्योंकि डिग्री भी तो एक है, एक डिग्री का एक वैल्यू, दो डिग्री वाला का दो वैल्यू। अब लेकिन दिक्कत हो गया, यहां पर दोनों बराबर भी हो गया 4 4, लेकिन ये वाला x वाला छोटा हो गया, इसलिए x इज लेस देन y, सही आंसर इसका होगा, क्योंकि x छोटा भी था y से, तो आंसर हो जाएगा x इज लेस देन y, विच इज जो कि ऑप्शन डी में है, क्लियर है। एक जेट वायु यान, अगला सवाल देखते हैं, मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट हुआ हो, बहुतों को कंफ्यूजन है, जिनको कंप्लेन है वो आप पूछ सकते हैं पर्सनल, मैं गया में ही रहता हूं, हर संडे को मिलता हूं बच्चों से, अभी संडे को टेस्ट चल रहा है, आप कभी भी आकर किसी भी सवाल में अगर कंप्लेन है तो परेशानी को पूछ सकते हैं, आसपास दोस्तों से मदद ले सकते हैं। सवाल आपको अगला है, एक जेट वायुयान 2 मार्च एक जेट वायुयान 2 मीटर प्रति सेकंड से वेग में हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग इतना है तो वायुयान की चाल कितनी है, एक जेट वायुयान 2 मच, कुछ गलत है इसको स्किप करिएगा, ये शायद कुछ टाइपिंग एरर है इसमें, एक जेट वायुयान 2 मच से ये एरर टाइपिंग एरर है, आगे स्किप, ये जो भी क्वेश्चन आपको गलत हुआ है वो किसी रीजनिंग मैथ्स किसी में भी, तो वो क्वेश्चन आपको स्किप हो जाएगा, लगता है कि मैथ्स में एक ये टाइपिंग मिस्टेक है कहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत हुआ है तो ठीक है। बढ़ते हैं, ये आपको क्वेश्चन में 73 जो है, जो जेट वायुयान वाला है वो सभी में सेट में जो गलत है वो सही किया जाएगा, एक दो सवाल जो भी गलत है, एग्जाम में भी ध्यान दीजिएगा, जो सवाल गलत होता है और सवाल एग्जाम में गलत होता है ठीक है, उसको कंप्लेन करने के लिए बाद में देता है, यहां पर कंप्लेन का कोई उपाय नहीं है, यहां पर केवल एग्जाम का फीलिंग देना है, कभी कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसको स्किप करके आगे बढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आपका समय बहुमूल्य है, सभी को गलत हुआ होगा, सभी के क्वेश्चनों में गलत होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, कह रहा है 77 की अपनी सामान्य गति के
6/7 गति से चलते हुए, तो जो सवाल गलत हुआ है ना उसको सभी को नंबर मिलेगा। ये सवाल देखिएगा, एक सामान्य गति के 6/7 गति से चलते हुए एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, या फिर ये मैथ्स का सवाल नहीं था शायद, ध्वनि का वेग से संबंधित है कुछ, वो आप देखिएगा क्वेश्चन में। अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगते हैं, उस दूरी को सामान्यतः तय करने में कितना समय लगेगा। देखो अगर ये फिजिक्स का सवाल है, लगता है कि जेट वायन का कुछ है वेग का, ये फिजिक्स का है तो उसके अनुसार से देखिएगा, मैथ्स में ही डाल दिया गया है। ये अगर सही होगा तो इसका सही आंसर मिलेगा आपको, गलत होगा तो सबको आंसर मिलेगा। ठीक है, अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट के समय लगते हैं, तो उसी दूरी को सामान्यतः तय करने में कितना समय लगेगा। 12 मिनट अधिक लगता है, देखिए क्या हो रहा है, ये अगर अपनी गति 6/7 चाल से चले, मतलब अगर सामान्य चाल इसका, अगर सामान्य चाल इसका 6 है, सॉरी सामान्य चाल 7 है, तो अब चले, अब चाल अगर उसका हो जाए 6, तो उसको 12 मिनट देर लगता है, कोई खास दूरी को चल रहा था उसको चलने में 12 मिनट देर लगता है। ये समय का अनुपात है, सॉरी ये चाल का अनुपात है, देर कितना लग रहा है 12 मिनट, यानी चाल समय में अंतर दिल है, तो मैं यहां समय का अनुपात निकाल लूंगा, समय का अनुपात हो जाएगा 6/7, उस दूरी को समानता तय करने में कितना समय लगता होगा। अब देखिए कितना समय लगेगा, यहां पर एक अधिक लग रहा है, तो एक बराबर मेरा 12 मिनट अधिक लग रहा था, एक बराबर 12 मिनट, तो एक है सो 12 मिनट के बराबर है, अर्थात मुझे अगर निकालना है कुल कितना समय, पहले सामान्य चाल से, सामान्य चाल वाला सामान्यता तय करने में कितना समय लगेगा, समान चाल वाला में समय लगता 6, यानी 6 निकालिएगा तो 12 × 6 = 72 मिनट, और 72 मिनट को ही तोड़कर लिखा गया था 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, 60 हो गया और 12 मिनट उधर बच गया, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट आंसर इसका हो जाएगा, बॉल, जो सभी को समझ में आ रहा। अगला सवाल देखते हैं, तो आगे का क्वेश्चन है, यदि एक बाल्टी 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर रहा है, तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई साहब, 4/9 भाग जो है, 4/9 भाग है सो 1 मिनट में भरता है, तो शेष भाग हो गया कितना, 5/9, शेष भाग 5, चूंकि 4/9 भर गया है तो शेष बचेगा कितना, शेष निकालने के लिए 1 − 4/5 9 करिए, यानी कि 5/9, शेष भाग 5/9 है, उसको भरने में कितना समय लगेगा। अब आप देखिएगा, शेष भाग भरने में डायरेक्ट मुझे पता है कि ये ज्यादा है इससे, तो ज्यादा समय लगेगा, यानी 5/9 ऊपर में करिए, 4/9 नीचे में, और गुना कर दीजिए 1 मिनट से, अर्थात ये मिलेगा 5/4 मिनट, 5/4 मिनट, यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन होगा सी आंसर इसका। ठीक है, तो आप लोग सब लोग आंसर अपना मिलाइए, और मुझे लगता है कि सब लोगों से बनेगा, ये सब सारा बनता होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न है 81, कहता है कि 16 मिनट विषम संख्याओं का योग निम्न में से कौन है। देखिए 16 विषम संख्याओं का योग, तो 16 विषम संख्याओं का योग के लिए पहला विषम संख्या, प्रथम 16, पहला विषम संख्या क्या है, विषम संख्या पहला 3 है, पहला एक विषम संख्या है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, और 16वां विषम संख्या निकालना है। अगर 16वां विषम संख्या निकालना है तो 16वां विषम संख्या क्या होगा, ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, 16वां विषम संख्या होगा यानी कि 1 + 16 − 1 × d, यानी 2, यही निकालते हैं ना, a प्लस एन माइनस, या फिर डायरेक्ट आपको पता है विषम संख्या का एनवा टर्म होता है 2n, एनवा टर्म क्या होता है इसका 2n − 1, तो 16 × 32, 16 × 32 में से एक गया, 16 × 32 में से एक गया 31,
यानी कि 16वां विषम संख्या ये वाला में पुट करिए और निकालिए, 16वां विषम संख्या हो जाएगा 31। अब मुझे निकालना है योग, कैसे निकालते हैं योग। योग निकालने का दो तरीका, एक तो 16/2 और 2a + n-1 × d, या फिर 16/2 a + n, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 और a + l। n/2 यानी कि n कितना नंबर, 16 नंबर, 16/2 नहीं नहीं हाँ 16 संख्या, 16/2 और गुने 1 + 31, तो 1 + 31 कितना हो गया 32। 16 × 32 कटेगा दूसरे तो 16 आ जाएगा, 16 × 16 = 256। अभी देखो आंसर ऐसे दिया हुआ है, 256 कितना होता है, 4 × 4 = 16 × 64 होता है, ये गलत हो गया, 8 × 8 = 64, 64 × 8 = 32 लास्ट में, ये 256 नहीं होगा। 2 के पावर 8, जी हाँ 2 के पावर 8 क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 8 होगा, 2 के पावर 5 = 32 होता है, 3 बार और कीजिए, 32 × 64, 64 × 128, 128 × 256, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 8, आंसर हो जाता है हमारा सी। प्रश्न समझ पा रहे हैं बात को, वही सवाल है, कैलकुलेशन का तरीका ये है, या फिर मैं बोला था कि एवरेज गुने नंबर कर दीजिएगा, ये भी इसे योग निकल जाता है, ठीक है, या फिर एपी वाला फॉर्मूला से निकालिएगा, यही दो सब फॉर्मूले हैं, मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि 1 kg लोहा और बालू के मिश्रण में 20% है, यहां पर भी प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, यहां पर एक जगह और प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एक जगह और नहीं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है, वो मैच करके कुछ है, वो अलग है सवाल, वायुजेट का है, लेकिन एक सवाल में मुझे ये त्रुटि लग रहा है, 84 नंबर में एक सवाल में त्रुटि है, इसको स्किप कीजिएगा 84 का, यहां पर होना चाहिए था ये बालू 95% हो जाए, इसमें कितना बालू मिलाया जाए, मिश्रण में ये लोहा 20% था, मिश्रण में क्या है, लोहा 20% है, यहां पर सुधार करने की आवश्यकता है, 1 kg लोहा और बालू के मिश्रण में लोहा 1 kg लोहा और बालू के मिश्रण में क्या है भाई, मिश्रण में क्या है, लोहा और बालू के मिश्रण में 20% है, लोहा 20% है, तो इसमें कितना, तो इसमें कितना बालू मिलाया जाए, बालू और मिलाया जाए, ये सवाल आगे में है, ठीक है, आगे देख रहे हैं, मिलाया जाए कि मिश्रण बालू 95% हो जाए, देखो हमें मिलाना क्या है, हमें मिलाना है बालू, मिलाया गया है बालू, तो पहले वाली मात्रा कितना था, पहले मात्रा था 1 kg, उसमें कितना था, मेरा क्या लिखना है इसे देखेंगे बाद में, बाद में मात्रा मुझे क्या करना है, बालू मिला के 1 kg और प्लस मुझे बालू का लिखना है, बालू में मिला लूंगा एक्स, इतना बाद में होगा, पहले इतना था बाद में इतना होगा, ध्यान रहे जो मिला रहे हैं हम बालू, अगर मिला रहे हैं तो मुझे प्रतिशत यहां पर लिखना है, बालू के अलावे जो और दिया हुआ है लोहा है तो लोहा का लिखना है, यहां पर लोहा कितना परसेंट है, 20% है, यहां पर लोहा कितना है, लास्ट में लोहा 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 नहीं है, बालू है तो उसको लोहा निकालेंगे, अगर 95% बालू है तो लोहा कितना परसेंट, 5%, यहां पर लोहा का लिखेंगे, बालू मिलाएंगे तो प्रतिशत किसका लिखेंगे, लोहा का, बालू मिला रहे हैं, बालू मिलाएंगे तो प्रतिशत लोहा का लिखेंगे, ये लोहा ही लिखे हैं यहां पर भी, यानी प्रतिशत लिखना है लोहा का, लोहा का प्रतिशत यहां होता है 5%, काटिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 kg ये दिख रहा होगा और बराबर 1 kg और प्लस एक्स, यानी कि इसका अगर ये प्रश्न सही होता तो इसका आंसर होता कितना, 3 kg, लेकिन प्रश्न में कंफ्यूज हो गए होंगे कि 20% लोहा है कि बालू है, ठीक है, एक सवाल में ये त्रुटि निकला, बाकी सवाल आपके सही थे। एक अंतिम सवाल और है, इसको आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा 1-2 लाइन सुधारना है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि 3 अंकों का एलसीएम इतना है, यह भी सवाल ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है 3 अंकों का, ए